नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक रेल और एनडीआरएफ के सहयोग से रेल पुलिस का वर्कशॉप कराया गया। इस वर्कशॉप में यह बताया गया कि कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज को कैसे पहचान सकते हैं और यदि कोई यात्री किसी कारणवश उसकी तबीयत खराब हो जाए या फिर उसे चोट लग जाए तो उस परिस्थिति में उस यात्री को कैसे फिट करना है और उसे किस तरह से संभालना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। अभी चूंकि ये लाइव है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इनका नहीं घुमा रहे, ठीक है। इस तरह से घुमाने के बाद एक गांठ दोबारा हम लगा देंगे। सबको दिख रहा है, जब तक शर्ट के अंदर ये इंजुरी था तो पता नहीं चल रहा था कि कितना इंजुरी है। अभी क्या कहे इन्होंने, डायरेक्ट प्रेशर मतलब सीधा दबाव आ गया। जहां पर चोट लगा हुआ है वहां पर एक कपड़ा ले वॉच पीस बनाए, मतलब तीन चार तह लगा दे, इस तरह से जैसे रुमाल है इसको तीन चार भाग में फोल्ड कर लिया मैंने, तो कोई दूसरा कपड़ा जिससे आपने साफ किया है उसको नीचे रख दे, एक दूसरा कपड़ा ले और जहां पर चोट लगी है इस तरह से एक दबाव डाले, डायरेक्ट प्रेशर। अपर पुलिस महानिदेशक रेल पंकज सर है, उनके डायरेक्शन में, उनके ऑर्डर के मुताबिक एनडीआरएफ के सहयोग से वो लोग हमको वर्कशॉप करा रहे हैं। उसमें वर्कशॉप में हमारा पुलिस पदाधिकारी, सिपाही, सब लोगों को, हम लोग पदाधिकारी लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण कैसा फैलता है, उसको कैसा हम लोगों को सावधानी रहना है, ड्यूटी करने के वक्त क्या क्या हम लोगों को करना है, मास्क पहनना है, जो ग्लोव्स पहनना है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। और कोई पेशेंट है, अगर कोई संक्रमण उनका लक्षण दिख रहा है उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके अलावा जो पहले से हम लोगों को सिखाता आ रहा है, फिर उसका रिफ्रेशमेंट भी सबको किया जा रहा है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया, डेड बॉडी मिला, किसी के हाथ में जो कट ब्लड निकल रहा है, और उसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बोलते हैं हम लोग, उसको वो लोग बता रहे हैं। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया, मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे किसी को हार्ट हो गया, तुरंत क्या करना है, फर्स्ट एड जो कर रहा है तो कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन CPR जो बोलते हैं हम लोग, उसी को कैसा करना है। बिहपुर के किराना व्यवसायी पप्पू पंडित की हत्या और डॉक्टर राजेश कुमार से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे अपराधी बिहपुर थाना क्षेत्र के मड़वा निवासी जितेंद्र झा उर्फ बाबा जितेंद्र को SP के द्वारा गठित SIT पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में खगड़िया जिले के टाउन थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर निवासी अंशु कुमार को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने दोनों अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। बिहपुर बाजार में एक किराना दुकानदार पप्पू पंडित की शाम के समय में हत्या हो गई थी, उसमें नामजद केस दर्ज किया गया था जितेंद्र झा के विरुद्ध में, जो कि मड़वा गांव का रहने वाला है, जो कि झंडापुर ओपी अंतर्गत पड़ता है। उस घटना के करने के तुरंत बाद उसके द्वारा एक डॉक्टर से भी वहां पर, जो बिहपुर का ही रहने वाला है, बिहपुर थाना क्षेत्र का ही, उसे रंगदारी मांगी गई थी कुछ पैसों की। तो इस संदर्भ में दो कांड बिहपुर थाना में दर्ज किए गए थे, एक हत्या से संबंधित कांड और एक रंगदारी मांगने से संबंधित कांड। उस समय पे उसकी गिरफ्तारी और जो उसके साथ में एक अज्ञात व्यक्ति था उसकी गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था, जिसमें SDPO नौगछिया, SHO बिहपुर, SHO भवानीपुर और SI पंकज कुमार, जो कि अभी SHO खुरी के पद पर कार्यरत है, और साथ में टेक्निकल सेल, ताकि हम लोग उसका जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ कर सकें। तो टीम लगातार उस पर कार्य कर रही थी, उसके द्वारा जो है काफी मतलब दिनों तक वो छिपके रहा टीम से, और टीम उस पर लगातार कार्य कर रही थी, तो उसी में टीम को कल सफलता मिली है। इसमें कल जो जितेंद्र राय है, जितेंद्र झा, जितेंद्र राय और बाबा जो खुद को कहता है, और एक अंशु कुमार है जो कि खगड़िया जिला का रहने वाला है, उनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें ये लोग घटना करने के 2-3 दिन के बाद जो है दियारा में चले गए थे, जो कि बिहपुर का दियारा जो पड़ता है, बिहपुर के आसपास का जो दियारा है, और उसी से जब कल निकलकर ये लोग खगड़िया की तरफ अपना प्रवेश ले रहे थे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, रोज बारिश का पड़ रहा था, तो ये लोग दियारा छोड़ने की फिराक में थे, और उसी में ये लोग खगड़िया जाने के क्रम में जयरामपुर ढाला जो पड़ता है उसी के पास में ये लोग पकड़ाए हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, .315 की 4 गोलियां,
7.62 mm की 8 गोली और एक बिना नंबर का मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से ये लोग भागने का प्रयास कर रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी कल हुई है। जो पूछताछ के क्रम में पता चला है कि जो जितेंद्र राय है, जो कि मड़वा का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि कोई ऐसी कोई दुश्मनी उसकी पप्पू पंडित से नहीं थी, बस वो थोड़ा सा मानसिक रूप से जो है मनबड़ू टाइप का व्यक्ति है, संकी टाइप का व्यक्ति है, और उसको गुस्सा था कि वो उसके फादर के जो मतलब लास्ट राइट्स थे, भोग जो उसके घर पे रखा गया था, उसमें पप्पू पंडित बुलाने पर भी नहीं आया था। और जहां तक डॉक्टर से रंगदारी की मांगने की बात है, क्यों उसी डॉक्टर को टारगेट किया गया, तो उसमें उसका कहना है कि जब उसके फादर बीमार थे तो उसी डॉक्टर ने इलाज किया था और काफी बिल उससे जो है लिया था, और फिर भी उसके फादर बच नहीं पाए थे, तो उसी का उसको आक्रोश था कि मेरे फादर का इन्होंने ढंग से इलाज नहीं किया और उनकी डेथ हो गई इनकी वजह से, तो इसी वजह से उसको टारगेट करके इसके द्वारा रंगदारी मांगी। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना के बथनाहा बाजार पर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर घंटों रोष पूर्ण प्रदर्शन किया। लोगों ने NH 104 पर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया और सरकार सहित पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले बथनाहा बाजार निवासी धर्मेंद्र कुमार ट्रक की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया था, जहां धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। लेकिन 3 दिन बाद भी धर्मेंद्र कुमार का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। पनपाकर मोड़ से पहले थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, ये 3 तारीख को, ये 9:15 करीब सुबह रे। उसके बाद ये लोग जो है कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल में ले गया, लाश को उठा कर ना पुलिस गया ना कुछ गया। उसके बाद जो है दूसरा हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ नहीं हुआ, 1 दिन रखा वहाँ। उसके बाद दूसरा बड़ा ब्रांच में भर्ती किया, वहाँ नहीं हुआ, तो फिर मुजफ्फरपुर ले गया, वहाँ मृत्यु हो गया कल 11:30-11:30 के आसपास। वहाँ से लाश घेर लिया गया है और लाश को दे नहीं रहा है। नवादा के मेस्कौर प्रखंड के मिल्की गांव में ना तो नल जल का लाभ मिला है और ना ही वहां मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना का ही कोई लाभ मिला है। सहबाजपुर पंचायत के मुखिया अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा नल जल के तहत बोरिंग किया गया था, मगर पैसा मिलते ही उस जगह से मोटर और नल जल की पाइप तक उखाड़ ली गई। सरकार चुनाव के समय जनता से बहुत सारे वादे करती है, मगर सब कागज पर ही सिमट कर रह जाता है। वहीं मिल्की गांव में भी इंदिरा आवास का पैसा मुखिया, वार्ड मेंबर और उसके बिचौलिए के बीच बंदर बात हो गया है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। कौन, क्या नाम? जीरा देवी। जीरा देवी, घर कहाँ हुआ आपका? घर तो हमारा मिल्की। मिल्की। इंदिरा आवास आपको हुआ है? कॉलोनी हुआ है। हाँ। उसमें आपसे कितना पैसा लिया गया था, के लिया था? पैसा कहाँ? कमीशन के नाम पे? कोई नहीं पैसा लिया था। क्या नाम हुआ आपका? जमुना देवी। आपको इंदिरा आवास कब मिला था? कितना दिन पहले? 1.5 महीना पहले। हाँ। कितना मतलब, और फिर आप इंदिरा आवास में कितना पैसा आपको मिला? 45,000 रुपये। उसमें कितना लिया आपसे वार्ड मेंबर? 12,000 रुपया। नजायज राशि आपसे ले लिया कि 12,000 रुपया आपका लगेगा, और उसी कारण आपका जो है मतलब घर नहीं बन पाया। चलिए ठीक। राजधानी पटना के अखंड वासनी मंदिर में मां का पट खुल गया है। आपको बता दें कि कोरोना जैसे महामारी में लॉकडाउन के कारण सभी धर्म स्थलों को बंद कर दिया गया था, पर अनलॉक 1 में सभी धर्म स्थलों को भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया है। ऐसे में सुबह से ही मंदिर में मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, और साथ ही मंदिर में सामाजिक दूरी को मेंटेन करते हुए सैनिटाइजर मशीन भी मंदिर में लगाया गया है। वहीं मंदिर के पुजारी विशाल तिवारी ने बताया कि मंदिर के तरफ से लॉकडाउन में गरीबों के बीच सूखा राशन वितरण किया गया है और शाम में भोजन का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, 78 दिनों के एक लंबे समय के बाद आज मंदिर सुबह की आरती के साथ आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया है, और इसमें मंदिर के द्वारा कुछ दिशा निर्देश, जो सरकार का गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार मंदिर का भी कुछ दिशा निर्देश लिख करके यहाँ जगह जगह पे साट दिया गया है, और भक्तों को कोशिश किया जा रहा है उसका उसके बारे में कुछ जानकारी देने का, कि जब भी मंदिर में प्रवेश करें तो सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है, उस पर हाथ पैर को अपना सैनिटाइज करें। उसके बाद मंदिर में कोई भी वस्तु उसको छुए नहीं, घंटी को एकदम प्रतिबंध कर दिया कि कोई भी लोग घंटी ना बजाएँ, कोई भी यहाँ पुस्तक
या माँ के प्रतिमा को इसको छुए ना, ये सारा चीज़ लोगों को जानकारी दिया जा रहा है और अभी तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर रहे हैं। और दर्शन मसौढ़ी में भूमिहार ब्राह्मण समाज ने भाजपा के प्रति स्पष्ट नाराजगी जाहिर की है। इन लोगों का कहना है कि शेखपुरा भाजपा जिला अध्यक्ष दारोबिंद द्वारा भूमिहार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे भूमिहार समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन सभी लोगों ने उसे पार्टी से बर्खास्त करने की मांग पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से की है। इन सभी लोगों का कहना है कि भूमिहार भाजपा का जागीर नहीं है, इस बात का भाजपा भ्रम न पाले। भाजपा पार्टी में रहने वाले भूमिहार नेताओं से भी इस्तीफे की मांग की गई है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनको स्पष्ट नाराजगी है शेखपुरा जिला भाजपा अध्यक्ष दारोबिंद के खिलाफ में, और इनकी नाराजगी है भाजपा के खिलाफ, क्योंकि ये भूमिहार हैं और भूमिहार वोटर हैं। भूमिहार आपको बता दें कि देश या राज्य, भूमिहार वोटर पर ही बीजेपी राज करती है और बीजेपी शायद यह समझती है कि भूमिहार जो है वो भूमिहार जागीर है हमारी, लेकिन ये लोग का कहना है, क्योंकि ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इनका कहना है कि भूमिहार जागीर नहीं है बीजेपी का। जिस तरह से बीजेपी के सत्ता में रहते हुए और जिला अध्यक्ष द्वारा लगातार हम लोग को जो भूमिहार समाज की उत्पत्ति के बारे में टिप्पणी किया गया है, ये बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। और इन लोगों का आक्रोश है कि जब तक दारोबिंद को भाजपा से निष्कासित नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और इन्होंने स्पष्ट से मांग भी कर रहे हैं कि भाजपा में जो भी भूमिहार शीर्ष नेता हैं या मंत्री हैं उन्हें अविलंब भाजपा को छोड़ जाना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। हम मिलते हैं ये तमाम ब्रह्मर्षि समाज के लोगों से जो मसौढ़ी में रहते हैं, मसौढ़ी के रहने वाले हैं। इन लोगों का गुस्सा वाजिब है, शायद ये लोग क्या कहना चाहते हैं आइए हम मिलवाते हैं। क्या बात है, दारोबिंद जो है निश्चित रूप से भूमिहार पर जो टिप्पणी किया है, आप लोग ब्रह्मर्षि समाज से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना यही चाहेंगे कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक एक वोट मिलता है और इस जाति को जो कोई पूछता है कि पैदाइश कहाँ से है दारोबिंद, कैसे हिम्मत हुआ, इसमें हमको लगता है कि राजनीतिक चाल है। जितने भी नेता हैं अभी तक बर्खास्त नहीं हुआ, जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी गाली सुना रही है कि अदर कास्ट में वोट बढ़े, और लाचारी है भारतीय जनता पार्टी को भूमिहारों को वोट देना, लेकिन जागीर नहीं समझें। हम चैलेंज करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे गांव में जाएंगे, भूमिहारों के गांव में जाएंगे, इनको लाठी और डंडा मिलेगा और पिटाएंगे, जूता के माला पहनाया जाएगा, मेरे समाज के इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो। और नेता को स्वतः अभी हम संजय जसवाल जी से मांग करते हैं, इनका पिताजी हमारे मित्र थे लेकिन इस कदर के नेता नहीं थे, इस सगल समाज के लेके चलते थे, और संजय जसवाल जी का इसमें राजनीतिक चाल है, और सुशील कुमार मोदी जी को, और अपने हम ब्रह्मर्षि के जितने भी नेता हैं सीपी ठाकुर से लेकर गिरिराज सिंह, हमारे अनिल कुमार जो सचेतक हैं, और जितने भी हमारे विजय सिन्हा, सुरेश बाबू, जितने भी मंत्री आज समाज के हैं भारतीय जनता पार्टी से, और जितने विधायक हैं, अगर आप समझते हैं कि हम भूमिहार हैं, अगर दोगला समझते हैं तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अगर ओरिजिनल भूमिहार समझते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे करके और समाज की बात करना चाहिए, नहीं अभी चुनाव है और गाँव में जाइएगा तो आपको डंडा नहीं क्या मिलेगा, गाली मिलेगा, जूता के माला मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा, इसलिए कि भूमिहार जाति को अपमानित किया गया है। भूमिहार के महिला के बारे में जो आज मीडिया में आ रहा है, सीडी लाइव देख सकते हैं, और इसमें कहा गया है कि एक ऐसा भूमिहार इनको लाए हैं कि भूमिहारिन आएगी और 200 महिला आएगी और इसके बाद 300 लड़की लाएगी, हम नहीं बोल रहे हैं, ये मीडिया बोल रही है। अब सोच सकते हैं कि भूमिहार इनको बेस्या बनाया जा रहा है, और इसके बाद भी भूमिहार का खून नहीं खोला, जो परशुराम अपने फलसा से 17 बार नरसंहार किया है और जिस वंश से आ जाए हैं, अगर भूमिहार के खून अगर पानी हो गया है तो कहना ही नहीं है, नहीं तो पूरे बिहार के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं इनको इस्तीफा देना चाहिए, और सारे नेता को ब्रह्मर्षि समाज से माफी मांगना चाहिए, और दारोबिंद के तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, इसको बर्खास्त करना चाहिए, यही मेरा मांग है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर, आर्थिक आधार रक्षण संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं कि मैं जब से राजनीति में प्रवेश किया हूं तब से जातिवाद समाजवाद लेकर नहीं चला, लेकिन कोई मेरे जाति पर
कोई मेरे समाज पर अंगुली उठाएगा उसको हम सभी भाजपा के मसौरी के कार्यकर्ता लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शेखपुरा के जिला अध्यक्ष दारोबिन ने भूमियार के पैदाइश के बारे में पूछा है, ऐसा करने पर हम सभी लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से मांग करते हैं कि उन्हें अविलंब पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो हम सभी मसौरी के भूमियार समाज के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता है वह सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके खिलाफ जो है पुतला दहन करेंगे, पार्टी में उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और अगर कोशिश हुई तो हम सभी भाजपा के मसौरी के कार्यकर्ता लोग इस्तीफा देंगे और ऊपर से हम सभी लोग खुद जा कर के शेखपुरा के जिला अध्यक्ष दारोबिन के ऊपर जो है हम लोग कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। भूमियार जाएंगे कहाँ कहाँ? शायद वो सभी लोग आज भूल चुके हैं कि भूमियार का जो है अपना पार्टी बनाने का भी शक्ति है। आज RJJP राष्ट्रीय जनजन पार्टी आशुतोष कुमार ने बना चुके हैं, उसी प्रकार हम सभी लोग भूमियार भी जो है, आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि भाजपा जो है ये जो समस्या है कि भूमियार का एकमात्र पार्टी है भाजपा, ये कहना उसका गलत है। हम सभी लोग भाजपा में है, भाजपा में हम लोग है तो ऐसा नहीं कि हम लोग के समाज को गाली दे, हम लोग के माँ बहन को गाली देगा तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, हम लोग ऐसा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर हम लोग के पार्टी में समाज को इज्जत नहीं देता है, समाज को गाली देता है तो हम सभी लोग ने पार्टी छोड़ सकते हैं और हम सभी लोग जो है इसका भुगतान चुनाव में उन लोगों को करना होगा। मैं दारोबिंद के ये इशारा बोल रहे हैं कि मैं ऊपर से लेके पूरे भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है टोटल, और ऊपर में जो नेता सब हैं जैसे संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, जितने भी नेता हैं सब लोग जो हैं दारोबिंद को मन पर चढ़ाए हुए हैं। आज तक हम लोग फेसबुक पर 2-3 दिन से हम पोस्ट कर रहे हैं हम लोग कि दारोबिंद को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए पार्टी से। तभी तक अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है अभी तक फेसबुक पर, कोई ऊपर से पार्टी लेवल के कोई नेता भी, और न मीडिया पर हम भी देख रहे हैं कि कोई नेता नहीं कह रहे हैं कि माने दारोबिंद को बर्खास्त किया जाए। आज हम सुरेश शर्मा, डॉक्टर CP ठाकुर, गिरिराज सिंह, जितने भी नेता हैं बड़े बड़े भूमिहार समाज को, कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज क्यों? आज सब सोए हुए हैं। आज जब वोट देने का टाइम आएगा तो आप कहिएगा कि माने हमें आए हैं भाजपा से एक भूमिहार का नेता है, ये क्या होता है? आज माने कोई लेडीज पर आवाज़ उठा रहा है भूमिहार पर, माने आज एक भूमिहार नहीं पूरे भूमिहार समाज को गाली दिया गया है। आई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मैं भी एक भाजपा का सिपाही हूँ, बाकी पहले मेरा समाज उसके बाद सिपाही। पहले समाज नहीं रहेगा तो हम सिपाही क्यों रहेंगे? और जब तक नहीं होगा तब तक हम पूरे भाजपा कार्यकर्ता मसौरी के और तमाम पदाधिकारी रोड पर पूरे जोश खरोश के साथ रोड पर उतरेंगे और पुतला दहन करेंगे। और हम यही मांग करते हैं पूरे प्रदेश ऑफिस के से, कार्यालय से और केंद्रीय कार्यालय से भी कि भाजपा के जो पदाधिकारी दारोबिंद जो है उसको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, हम लोग भाजपा से इस्तीफा देकर रोड पर चले आएंगे। दारोबिंद जो बात बोला है भूमिहार के ऊपर वो बहुत ही गलत बोला है, बहुत घटिया मानसिकता के दारोबिंद है, और कौन उसको अध्यक्ष भाजपा को का बना दिया है। भूमिहार समाज को अपमानित करने का काम बहुत गलत किया है और उनको जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम भाजपा के और भी मतलब कि सीनियर नेता से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और भूमिहार समाज को एक न्याय मिले। अगर भूमिहार समाज को न्याय नहीं मिलता है तो भूमिहार समाज इज्जत के लिए ही मरता है। अगर ऐसा होगा भूमिहार के साथ अन्याय तो हम लोग आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ और सरकार के खिलाफ में हम लोग काम करेंगे और भाजपा से हम लोग ये मतलब कि हट जाएंगे। मैं नवगछिया विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर नंदकिशोर यादव मांग करता है कि ऐसे क्या कहा जाए, जितना भी घोर निंदा करे, जितना घटिया शब्द का इस्तेमाल करे, ये BJP जो प्रदेश अध्यक्ष जिला के अध्यक्ष बनाया है दारोबिंद को, इसको अविलंब बर्खास्त करें, और यदि इसको आप बर्खास्त नहीं करते हैं तो पूरे BJP को हम कहेंगे कि ये बिल्कुल दलाल की पार्टी है और किसी जाति विशेष पर कोई गाली देने का किसी को अधिकार नहीं बनता है, और यदि गाली देता है तो भूमिहार समाज नहीं जादव समाज भी इसको साथ देने का काम करेगा और हर पैर से ताल मिलाकर चलने का काम करेगा। हमको पार्टी नहीं,
पहले समाज देखना है, उसके बाद पार्टी देखेंगे। चूंकि हम लोग आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए मैं अध्यक्ष से मांग करता हूं, बीजेपी के अध्यक्ष से मांग करता हूं कि ऐसे घोर अपराधी को आप बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है, ना कानून दिया है। लेकिन यदि आप इसको अध्यक्ष बनाए हुए रखते हैं तो ये इसकी सारा दोषी अध्यक्ष महोदय और देश का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो इसमें अपमानित होने का काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय नवगछिया विकास पार्टी के अध्यक्ष मांग करता है कि इनको आप अविलंब बर्खास्त करें। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरे साथ तमाम जुड़े थे मसौढ़ी के तमाम ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं, तमाम भूमिहार समाज से आते हैं लोग। इन लोगों का आक्रोश है बीजेपी के उन नेताओं पर जो खासकर भूमिहार जाति से आते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर इलेक्शन में अगले आगामी विधानसभा का इलेक्शन बहुत जल्दी आने होने वाला है, तो इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी भूमिहार का नेता अगर गांव या देहात शहर कस्बा में किसी कहीं जाता है वोट मारने के लिए, तो उनसे पूछो, सवाल करो कि आप एक तरफ कहते हैं हम जातवाद हटाएंगे, पहले जातवाद कैसे हटेगा यह तो बताओ। अगर भूमिहारों को खुलेआम से गाली दिया जाता है तो इन लोगों का कहना है कि हम उन लोगों को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, भूमिहार समाज किसी की जागीर नहीं होती है। सहरसा जिले के समाहरणालय से जिले के सभी प्रखंड के लिए जिला अधिकारी कौशल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जिला अधिकारी कौशल कुमार के द्वारा लोगों को मास्क के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग कोरोना जैसे खतरनाक संक्रमण से बचे रहे। वही जिला अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के हर प्रखंड के लिए एक एक वाहन रवाना किए गए हैं। अभी अभी हम लोग हर प्रखंड के लिए के गाड़ी रवाना किए हैं। इसमें लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता के संबंध में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि मास्क पहनना भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण का खतरा भी बरकरार है और मास्क ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग इस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हैं। मेरा अनुरोध पब्लिक से ही रहेगा कि जब भी घर से निकले और भीड़ वाले इलाकों में जाएँ तो निश्चित रूप से मास्क पहने और अनावश्यक घर से ना निकलें। अभी हम लोग हर पंचायत में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं जीविका दीदी के माध्यम से। आज का जो आंकड़ा है, सभी जीविका दीदी को करीब 12 लाख मास्क का हम लोग डिमांड दिए हैं, पंचायतों से मिला है और आज के डेट में 3 लाख मास्क जीविका दीदी सप्लाई कर चुकी हैं पंचायत मुखिया जी को, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और अगले 15 जून तक हम लोग का प्रयास है कि हर एक पंचायत में, जो सरकार का निर्देश है कि हर परिवार को 4 मास्क देने का जीविका दीदी के माध्यम से, वो भी हम लोग दे देंगे। तो मास्क भी हम लोग दे रहे हैं प्लस जागरूकता भी करवा रहे हैं ताकि लोग मास्क पहने और इस संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पा सके। नालंदा जिले के तेल्हाड़ा थाना इलाके के बेलदरिया बिघा गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद सौ के टुकड़े टुकड़े कर पेट्रोल डाल जला डाला। इस बात का पता जब मायके वालों को लगा तो गांव के खंधे से जले हुए सौ का टुकड़ा और गहने लेकर न्याय की गुहार लगाने बिहार शरीफ महिला थाना पहुंच गए। मृतिका के भाई हीरा कुमार ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ माह बाद ही पति और ससुराल वाले बाइक और 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं करने पर अक्सर उसके साथ मारपीट भी किया जाता था। वही मामले को लेकर महिला थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि मामला तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र का है, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए थाने को सूचना दे दी गई है। नदी उदी है ना, वहीं पर गए तो धुआं सा उठ रहा था। जब धुआं तक गए तो देखे कुछ जगह हुआ था, पेट्रोल छिटका, दो डिब्बा पेट्रोल था, एक में कलासन था और धाम को उसे लहका दिया गया, कुछ बचा था तो उसे झाड़ी में बिक दिया गया। उसके बाद हम लोग प्रशासन यहाँ फोन किए तो हवा प्रशासन बहुत खुशामद करते हुए तो हवा प्रशासन आया, आने पर भी कुछ नहीं कही कर रहा था, फिर ऐसे बैठा। उसके कारण गुस्सा में हम लोग साहिब को बिहार से जो सब बचा हुआ था उसको लेकर चला। अभी कहाँ पर आए हुए आप लोग? हम तो बिहार से महिला थाना आए हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग के मांग है कि जो ऐसे किया उसको फांसी होना चाहिए। दहेज के लिए हत्या किया? हाँ, जब लड़का बार बार दहेज का डिमांड कर रहा था, एक बाइक मांग रहा था, 3 लाख रुपया मांग रहा था, हम सब गरीब फैमिली होने के कारण नहीं दे रहे हैं, इसी के कारण वो हाटी दे के उसको काट काट के जला दिया, पीस करके। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज कुमार। घर कहाँ हुआ? काला पर। कौन थाना पड़ता है?
अब आपका नैयर कहाँ हुआ लड़की का? ससुराल हो गया, बेलदारिया बीघा, फिलहारा थाना। फिलहारा थाना। तुम्हारा नाम क्या हुआ? सूरज कुमार। कौन लगती है? कौन लगती है? मेरी बहन है। ढाई महीने बाद सरकार के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों के द्वार खुल गए हैं। लोग पूजा पाठ के नाम पर धार्मिक स्थलों में उमड़ रहे हैं, लेकिन सरकारी आदेश का पालन कहीं नहीं हो रहा है। मंदिर प्रांगण में दिख रहे श्रद्धालुओं द्वारा न तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन ही, और न ही मंदिर प्रबंधन द्वारा कहीं पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाओं की झुंड तो ऐसे दिख रही है मानो वे लोग मास्क लगाना ही भूल चुकी है। बाढ़ के बाबा उमानाथ मंदिर प्रांगण में इक्के दुक्के लोग ही जलाभिषेक करते दिख रहे हैं, बाकी के लोग तो गंगा नहाओ, गुड़ चना चढ़ाओ और कोरोना भगाओ जैसी पूजा में तल्लीन दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि भगवान शिव की पूजा पर कोरोना का पूजा भारी है। ढाई महीने के बाद मंदिर खुला है, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अंकल को जो है धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन में जो है हमारी कोरोना को जो है गेट आउट किए जो है, और हमारी अच्छी जो है वातावरण हर चीज़ शुरू हो गया जो है, और बढ़िया लग रहा है, एकदम लग रहा है। मैं मोदी लॉकडाउन टूटा है, मंदिर खुला, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ये कि लॉकडाउन के बाद सभी लोग राहत मिला है, लेकिन ये सब कोरोना नहाने के बहाने जो हवा उठा हुआ है उसके कारण ऐसे भीड़ भाड़ है, और कोई मास्क वॉक्स लगा के आता नहीं है, किसी के पास नहीं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या व्यवस्था? हाँ, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन करने वाले हैं, सब बांध वगैरह घंटी उंटी ऊँचा किया है, और बाकी ये सब सैनिटाइजर रहते हैं, जैसे महंत लोग के सामर्थ्य रहेगा, व्यवस्था रहेगा तब होगा। मतलब अभी कोई व्यवस्था नहीं? अभी तो व्यवस्था नहीं है, मंदिर के पास अपना ये साधन नहीं। क्या नाम है? गंगा में जलस्तर की वृद्धि होते ही हर साल बाढ़ शहर में पानी के अत्यधिक दबाव वाली जगहों पर कटाव शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए सरकार की भारी भरकम राशि खर्च होती है। कटाव रोकने के लिए फिर इस बार बाढ़ में पोस्ट ऑफिस घाट से लेकर अजगैबीनाथ घाट तक लगभग 300 मीटर गंगा किनारे पर बांध बनाने का काम जोर शोर से जारी है, जिसमें पहले गंगा किनारे का जेसीबी मशीन से सतहीकरण किया गया है, फिर बल्ले लगाकर और प्लास्टिक की जाली बिछाकर उत्तम क्वालिटी के बोरे में बालू भरकर रखा जा रहा है। जबकि इसके पहले जब भी इस तरह की बांध बनाई गई है उसमें सिर्फ बोरी में बालू भरकर रखा गया था, इसलिए इस बार हो रहे बांध बनाने के काम को टिकाऊ समझकर स्थानीय लोगों द्वारा सराहा भी जा रहा है। जो पूरा जो लकड़ी दिए हुए हैं, लकड़ी पूरा ढक जाएगा, आप पूरा से अंदर लग जाएगा, स्लोप लगेगा। टिकाऊ है जी? टिकाऊ होगा ये? जी हाँ, टिकाऊ तो है। कितना मीटर का ये दायरा में आपका काम अभी चल रहा है? ये 350 मीटर का। 350। क्या एस्टिमेट है, ये सब जानकारी है? क्या एस्टिमेट मतलब? नहीं, ये जो कितना लागत लगा है इसमें लगेगा, क्या होगा? क्या हुआ उसका परिणाम? परिणाम तो देख ही रहे, ऐसा काम नहीं हुआ। हाँ, ऐसा काम नहीं हुआ। अब जो आज जो काम हो रहा है, आप यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ रह रहे हैं, हाँ, इस काम से हम तो लोग तो देख रहे हैं कि संतुष्ट है, बांध है, जो भी है बोरा भी अच्छा है आपका, और जाली वगैरह भी है, खम्बा भी अच्छा, पोल वगैरह भी अच्छा दे करके बनाया गया, डिप किया गया, डिप किया गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ महेश प्रसाद। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के बासिंदा है।
सहरसा जिले में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पुष्टि की है। वहीं अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें 57 लोग इलाज के दौरान ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बाकी 45 कोरोना पॉजिटिव मरीज जिले के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिसका इलाज जारी है। वहीं अभी तक जिले में कुल 2023 लोगों का सैंपल जाँच के लिए लिया गया था, जिसमें से 1887 का जाँच रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें 1743 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। वहीं 136 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। वहीं जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में अब टूनेट मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। इस मशीन के द्वारा प्रतिदिन 25 से 30 लोगों की जांच जिले में ही हो सकेगी। अभी 21 पॉजिटिव केसेस और सामने आए हैं, इसमें 12 केसेस ऐसे हैं जो पूर्व के पॉजिटिव का ही पॉजिटिव आया है सैंपल के बाद, और 9 फ्रेश पॉजिटिव है। इस प्रकार टोटल पॉजिटिव केसेस की संख्या जिले में कल 93 था, आज 102 हो गया है। कल तक 51 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था जो ठीक हो गए थे। आज 6 और पॉजिटिव जो हैं उनका सैंपल रिपीट सैंपल नेगेटिव आया है, वो ठीक हो गए तो उनको आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस प्रकार टोटल ठीक हुए मरीजों की संख्या 57 हो गई है। तो टोटल पॉजिटिव केसेस 102, ठीक होने वाले 57 हैं। दोनों को घटाने के बाद टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में आज के डेट में 45 है, जिसका इलाज कर्पूरी छात्रावास में चल रहा है। जो 9 नए पॉजिटिव केसेज आए हैं उनको भी अभी आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। अभी तक टोटल 2023 सैंपल लिए गए हैं, इसमें कि 1887 का रिजल्ट आया है, 1743 नेगेटिव है, 136 रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है डीएमसीएच के स्तर पर, जो कि आजकल में आ जाएगा। अभी हम लोग का जिला में ट्रूनेट मशीन इंस्टॉल हो गया है। इस मशीन से हम लोग यहाँ के लिए हुए सैंपल को इसी जिला में जांच कर सकते हैं। प्रतिदिन 25 से 30 सैंपल यहाँ भी जांच किया जा सकता है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।